वादा दोनों सुधार सके और दोनों पूरा कर सके। लक्ष्मी देखिए, मेरे साथ उदयपुर का यूथ है और युवा है, और युवाओं को भी काफ़ी उम्मीदें सरकार की इस बजट को रहती है। मैं सीधा युवाओं से ही जुड़ूंगा, आखिर वो क्या चाहते हैं, किस तरह का बजट जो है वो इस बार का रहे। ट्रांसजेंडर के लिए स्कूल होना चाहिए, उनके लिए स्कूल नहीं है ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके, उनके लिए वॉशरूम होना चाहिए पब्लिक एरियाज़ में, और उनके लिए एक जॉब, पर्टिकुलर जॉब होनी चाहिए। जैसे साउथ में जो ट्रांसजेंडर है वो बसेस चला रहे हैं ताकि उनको और एजुकेट करें, उनके लिए और जॉब्स प्रोवाइड करें ताकि वो ह्यूमन कैपिटल बन सके। थैंक यू। महिला वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, ऐसे में जो यूथ है, जो गर्ल्स यूथ है, वो क्या सोचता है कि क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो उनकी सेफ्टी के लिए हो या गर्ल्स को आगे बढ़ाने को लेकर बजट में होनी चाहिए? सर, जो बजट होता है वो फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का जो बजट पेश किया गया था वो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। तब से जो हमारा बजट का मेन एम जो होता है वो बेसिक जो बेसिक एमिनिटीज़ जो होती है वो ग्रास रूट लेवल तक प्रोवाइड किया जाना, और उसके लिए बहुत सी गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीमेंटेशन भी की जाती है, बट वो ग्रास रूट लेवल तक पहुँच नहीं पाती है, और बार बार एक ही परेशानी सामने आती है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो सर, इनका जो मेन कॉज है वो तो लैक ऑफ एजुकेशन है, जो मतलब सबको प्रोवाइड नहीं हो पाती है। इतने गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर नहीं है, और कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि गर्ल्स को पढ़ने के लिए मतलब भेजा भी नहीं जाता, उनकी सेफ्टी पहले वो देखी जाती है। तो एक ट्रांसपोर्टेशन का कम्प्लीट वो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वहाँ पर, सेफ्टी के लिए कम्प्लीट प्रॉपर वो होना चाहिए, सेफ्टी के लिए कम्प्लीट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि है ना पेरेंट्स ज़्यादा एनहेंस बच्चों को अपने भेज सकें। आप क्या कहें, क्या किस तरह का बजट चाहिए? मुझे ये लगता है कि हेल्थ जो होती है वो काफ़ी ज़रूरी चीज़ है हमारे देश के लिए। यहाँ पे लेकिन आजकल बहुत सारी हेल्थ डिसीज़ हमें इम्पैक्ट कर रही हैं, और हर जगह एक प्राइमरी हेल्थ के सेंटर होना चाहिए ताकि वो जो हेल्थ है, जो मतलब डिसीज़ है, वो दूसरे लेवल पर जा ना पाए, तो इतना एक्सपेंस भी ना करना पड़ेगा। तो हर जगह एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होना चाहिए। आप क्या कहेंगे, एम्प्लॉयमेंट को लेकर किस तरह की उम्मीद है? सर, एक बात यह है कि जो मनरेगा स्कीम है उसका जो फंड है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो रियली में पुअर है उनकी इनकम बढ़ाई जाए ताकि जो हमारी ग्रोथ है वो ड्राइविंग रेट पे चलती रहे। बेसिकली क्या है कि जो मनरेगा स्कीम है उसका मोटो है 100 डेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है रूरल एरियाज़ में। तो अगर वो जो डेज है उन्हें बढ़ाया जाए और उसके अंदर अगर पैसा भी बढ़ाया जाए तो जो रियल पुअर है उनकी इनकम बढ़ेगी, तो हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी। और इसके अलावा एक बात ये भी है कि जो सीमेंट है वो 28% GST स्लैब में है, तो इससे जो हमारी एक स्कीम है PM आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि अगर सीमेंट महंगी होगी तो जो हाउसिंग फॉर ऑल है वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो मेन मटेरियल है हाउसिंग के लिए वो सीमेंट ही है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि जो सीमेंट है वो 28% से 12% या 5% स्लैब में जाए। आप क्या कहेंगे, किस तरह का बजट जो है वो? आप जो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बहुत अच्छा है, तो गवर्नमेंट को उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ इनिशिएटिव या पॉलिसीज इंक्रीज करनी चाहिए जिससे इंडिया का डेवलपमेंट हो। आप क्या कहेंगे, किस तरह की उम्मीदें हैं बजट से? गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए एक लिमिट तक, जिससे बैंक के लिए मनी फ्लो, लिक्विडिटी बढ़ेगी, बैंक में ज़्यादा पैसा आएगा तो सभी को लोन आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, और वो इसरो फंड को भी बढ़ाना चाहिए। इसरो फंड को भी बढ़ा जाए, किस तरह की उम्मीदें हैं इस बजट से? अभी जो वर्तमान में देखा जा रहा है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है बहुत ही डिक्रीज हुई है, तो सरकार को अपनी ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए प्राइमरी सेक्टर पे बजट ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना